क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनती है, ठीक है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहे तो ऑप्शन से ही बनती है। यहाँ यह ऑप्शन दिया गया है और बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आती है, ठीक है। इसको बनाने का सरल तरीका क्या है कि जो भी क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, जैसे 3/5 है तो 3/5 को रख लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तीन को बीच में रखेंगे, यानी ऊपर वाले को बीच में रखते हैं और इसको नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। जीरो तो यहाँ आ जाएगा जीरो, ठीक है। जीरो से अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, जीरो। तो ये तीन उतर जाएगा, पॉइंट के बदले जीरो, 5×6 30, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, 0.6 मिल गया। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 4/5 का, यानी 4/5 का, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.8। यानी कि सीधा सीधी हमें क्या मिल गया है कि 0.6 और 0.8 के बीच में इनमें से कौन नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.7 हो जाएगा, अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 0.63 हो जाएगा, और अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 0.66 ये हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमें देगा 0.53, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 0.7 जो है वो 0.6 और 0.8 के बीच का है, तो बीच का मध्य का नहीं है, मध्य यानी बीच का नहीं है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये तो सही है, ये तो है 0.63, तो 0.6 के बाद 0.8 जो है, ठीक है, 0.8 है, तो ये दोनों के बीच में भी ये आ रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा सही है। 2.3 का आया 0.66, तो 0.6 और 0.8 के बीच का भी ये है, तो ये भी ठीक है। 0.53 यानी 0.53 जो है तो 6 से पहले का है, 0.6 के पहले का ये है, यानी ये दोनों के बीच का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 16/30 जो है वो 3/5 और 4/5 के मध्य का नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16/30, ऑप्शन नंबर यहाँ 4 दिख रहा है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।